अगर आप लोग भी चार पहिया वाहन का यूज करते हैं तो आप लोग भी फास्टैग जो है जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि इस समय हम लोग आपको लाइव तस्वीरें करनाल के बस्तारा टोल से दिखा रहे हैं। कैश लेन की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर कैश लेन की बन चुकी है, और इस पूरी लेन में वो लोग खड़े हैं जिनके पास फास्टैग नहीं था, जिन्होंने अभी तक फास्टैग जो है वो नहीं अप्लाई किया, और इसी वजह से जो है इन्हें लंबी लंबी कतारों में जो है इंतजार करना पड़ रहा है। और वही अगर हम लोग फास्टैग वाली लेन्स की बात करें उसकी भी हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे आगे, उन पर जो है महज एक मिनट के अंदर ही जो है आपकी गाड़ी टोल प्लाजा को जो है क्रॉस कर जा रही है, क्योंकि फास्टैग जो है फटाफट से जो है स्कैन हो रहा है। लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सके, ये मैसेज पहुंचा सके, जहां 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का जो है समय दिया गया था कि लोगों को जो है 75% लेन जो है वो फास्टैग की रहेंगी और 25% कैश की रहेंगी, लेकिन कल से यानी कि 15 जनवरी से जो है पूरे देश भर में केवल एक लेन जो है वो कैश की रहने वाली है और बाकी सभी लेन फास्टैग रहने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फास्टैग नहीं लिया था तो आप लोग भी जल्द से जल्द जो है फास्टैग ज़रूर ले लीजिए। हमारे साथ यहाँ पर मैनेजर मौजूद हैं बस्तारा टोल प्लाजा के, उनसे एक बार हम लोग बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ पर जो है अब अमेंडमेंट की गई है 15 जनवरी के बाद से, किस तरीके से लेन्स को जो है डिवाइड किया गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार ने निर्णय लिया था फास्टैग करने के लिए। बहुत ही अच्छा निर्णय है। सभी गाड़ियां लगातार जो फास्टैग जिन्होंने लगवाया है वो कंटिन्यू निकल रही हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले केवल 25% था फास्टैग, लेकिन आज की तारीख में मोर देन 50% व्हीकल हैं जिन्हों पर फास्टैग लग गया है, और मोस्टली लोग फास्टैग यूज़ कर रहे हैं, और जो लाइन फास्टैग के लिए हैं वो क्विकली जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो निकल रहे हैं। रही कैश की बात, तो ये जो लाइन है ये हाइब्रिड लाइन है। पब्लिक की प्रॉब्लम को समझते हुए हमने को ये कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया है ने। एक लाइन के लिए कहा गया है NHAI ने, लेकिन इनकी परेशानी समझते हुए कुछ समय के लिए हम दो लाइन भी कर लेते हैं और तीन लाइन भी कर लेते हैं, ताकि पब्लिक ज़्यादा परेशान ना हो। और हम पब्लिक से यही उम्मीद करते हैं और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्टैग लगवाएँ और ऑनलाइन से सब निकलें। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और मोबाइल से, अपने ही मोबाइल से रिचार्ज करवा सकते हैं। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि एयरटेल है, पेटीएम है, ICICI है। तो ऑनलाइन आप जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आप फास्टैग परचेज़ कर रहे हो वो आपको बता देगा, उसकी एप्लीकेशन है, उस पर जाके आपको कैसे रिचार्ज कराना। काफ़ी लोगों ने फास्टैग ले लिए हैं लेकिन उनका फास्टैग अगर ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो वो भी टोल प्लाजा पर आकर जो है स्कैन नहीं होता है, तो उन लोगों को क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, कैसे वो ये मेंटेन कर सकते हैं कि उनके फास्टैग में कितना बैलेंस बचा हुआ है? इसके लिए हर बार उन्हें मैसेज आता है, जैसे वो टोल क्रॉस करते हैं उनकी टोल फीस कितनी लगी उन्हें मैसेज आता है, और जो जितनी ये अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सब बता, जहाँ से आप टैग ले रहे हो, परचेज़ कर रहे हो, वो आपको बताएंगे कि आपको रिचार्ज कैसे करना है, गूगल पे से करना है या किसी उनके पोर्टल हैं उन पे जाके आप रिचार्ज कर सकते हो और अपना बैलेंस डलवा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन लोगों के पास फास्टैग नहीं है, अगर वो लोग फास्टैग वाली लेन में चले जाते हैं तो उनको क्या कुछ? उनको डबल फीस देनी पड़ेगी, एज पर NHAI के रूल के मुताबिक उन्हें डबल फीस वहाँ पर देनी पड़ेगी। इसलिए उनको बार बार ये समझाया जा रहा है, गवर्नमेंट ने भी बार बार टाइम बढ़ाया है, इसीलिए टाइम बढ़ाया ताकि लोग अवेयर हों, और मैक्सिमम टाइम उन्होंने दिया है। पहले एक महीना दिया, फिर 15 दिन दे दिए, अब लोग मेरे ख्याल से सभी लोगों को फास्टैग लगवाने चाहिए। लोगों के सर कार्ड्स हैं जो आसपास के रहने वाले हैं, क्योंकि पहले देखा जाता था कि गाड़ी की RC दिखाकर जो है लोगों को भेज दिया जाता था, तो वो क्या अभी भी कार्ड के साथ जो है लोग फास्टैग वाली लेन से जा सकते हैं? एज पर NHAI रूल्स कोई भी गाँव, कोई भी सिटी ऐसा नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। सबके लिए पासिस हैं, 10 किलोमीटर्स के लिए 150 रुपये का पास है, मंथली पास अनलिमिटेड उसमें ट्रिप है, कार के लिए मैं बता रहा हूँ, और 20 किलोमीटर्स के लिए 300 रुपये का पास है। कार्ड के थ्रू फास्टैग वाले नहीं, उनको कार्ड नहीं, पहले जो हम कार्ड देते थे वो कार्ड नहीं है, अब इसी के अंदर मर्ज हो जाएगी वो सर्विस फास्टैग के अंदर, अलग से उन्हें कोई कार्ड शो नहीं करना, और अपना वो भी निकल सकते हैं फास्टैग लाइन से फिर। तो ये आपने देखा, जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप लोगों के पास फास्टैग नहीं है और उसके बावजूद अगर आप लोग फास्टैग वाली लेन से जाते हैं तो आपको भी डबल किराया देना पड़ेगा, यानी कि अगर हम लोग एक बार की गाड़ी का यहाँ पर जो टोल टैक्स है उसकी बात करें तो जहाँ वो 130 है तो आपको उसका डबल देना पड़ेगा अगर आप लोग फास्टैग वाली लेन से जाते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि कोई भी कार्ड अगर आप लोगों के पास है तो कार्ड के
वैलिडिटी भी केवल कैश वाली लेन में होगी, उसके लिए भी आप लोग फास्टैग वाली लेन में नहीं जा सकते हैं। अभी भी कैश की लेन की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी लंबी कतारें हैं, लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील यही करना चाहूंगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग जल्द से जल्द जो है फास्टैग जरूर खरीद लें, ताकि उन्हें भी इन लंबी लंबी कतारों में इंतजार ना करना पड़े और वो भी जल्दी से फास्टैग वाली लेन से जो है स्कैन करवा कर जा सके। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से अपील यही करना चाहूंगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। टोल प्लाजा पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, साथ ही साथ प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा एक काफी अच्छा स्टेप तो उठाया गया फास्टैग का, लेकिन जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया कि बहुत सारे लोग, लगभग 60% लोग आज भी ऐसे हैं जो फास्टैग को लेकर जागरूक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं आप खास खबर फास्टैग को लेकर, जहां लोगों को जागरूक होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ टोटल लाइन्स अगर 24 हैं तो उसमें से एक या दो लाइन्स ही ऐसी हैं जो कैश के लिए रखी गई हैं, और आप देख सकते हैं लोगों को कितनी लंबी लंबी लाइन्स में जो है लगना पड़ रहा है। अगर कैश लाइन्स की अगर हम बात करें, कैश लेन्स की अगर हम बात करें, वहीं अगर दूसरी साइड हम बात करते हैं फास्टैग की, तो वहाँ से गाड़ियाँ जो है रेगुलर आराम से बहुत ही आसानी से जो है ईजिली क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियों पर जो है फास्टैग लगा हुआ है। तो आपके लिए भी ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप देख सकते हैं ये दो लाइंस हैं जिसमें लोगों को कैश, जिन्होंने अभी तक फास्टैग नहीं बनवाया है, कैश पे करके निकलना पड़ा है। कितनी ज्यादा लंबी लाइंस है, कितना ज्यादा घंटों का जो है आपको इंतजार करके जाना पड़ सकता है। वहीं सामने की अगर आप लाइव तस्वीरें देखेंगे, किस तरीके से जिन लोगों की गाड़ियों पे फास्टैग लगा हुआ है वो कितनी इजीली जो है यहाँ से निकल पा रहे हैं। तो अगर आपके पास भी गाड़ी है, अगर आप भी जो है यहीं से क्रॉस करते हैं, तो आपके लिए खबर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आप भी जो है जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों पे फास्टैग ज़रूर लगवा लें, नहीं तो आपको भी भरना पड़ सकता है डबल, जो उसका रेट है टोल का वो आपको डबल भरना पड़ सकता है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं फास्टैग वाली लेन से किस तरीके से गाड़ियाँ जो है कुछ ही सेकेंड्स के अंदर जो है यहाँ से क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियों पर जो है फास्टैग लगा हुआ है। वहीं हमने आपको दूसरी साइड दिखाया किस तरीके से अगर कैश की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइंस में जो है लोगों को वेट करना पड़ रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आगे की भी आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। तो जहां लोग जो आज फास्टैग बनवाने पहुंचे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुंचे हैं, क्योंकि अगर आपका फास्टैग नहीं बना हुआ तो आपको डबल टोल जो है वो पे करना पड़ सकता है। अगर आप गलती से कैश की लाइन के बजाय अगर फास्टैग वाली लेन में अगर आप एंटर कर सकते हैं, कर जाते हैं, तो आपको डबल जो टोल है वो पे करना पड़ सकता है। कुछ लोग जो आज यहाँ फास्टैग बनवाने पहुँचे थे, एक बार उन्हीं से जानते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर कैश के लेन्स की बात की जाए बहुत लंबी लंबी लाइन्स हैं, और अगर वहीं फास्टैग की लेन्स की बात की जाए वहाँ से ईजिली जो है गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं, तो क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? यही कि जो भी अभी रूट से ट्रैवल कर रहा है जहाँ पे टोल टैक्स है, उसे फास्टैग बनवा लेना चाहिए, सो दैट उनके लिए भी उनके ट्रैवल और यात्रा थोड़ी फ्री हो, परेशान ना हो, क्योंकि अभी आपको पता ही है कैश वाली लाइन में ज़्यादा भीड़ है, और जो टोल टैक्स जो फास्टैग वाली लाइन है उनमें इतनी रश है नहीं, तो ईजिली बनवा लेना चाहिए टाइमली। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई सर आपको ये टोल, अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई भीड़ है नहीं, और शुरू में कोई भी अगर कोई भी नई चीज़ आती है तो थोड़ा बहुत तो सबको प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से स्मूथ हो जाएगा चीज़ें, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी। जहाँ एक महीना हो चुका है, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का टाइम दिया गया था, वहीं कल से जो है कैश के लिए सिर्फ एक ही लेन छोड़ी गई है, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं दो लेन यहाँ पर दे दी गई है, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें ना आए। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अलग अलग कंपनीज के जो है अलग अलग रेट्स हैं, हालांकि ये सरकारी स्कीम है तो इसका सभी कंपनीज के पास एक ही रेट होना चाहिए। अगर ICICI की बात करें तो कोई 500 में 250 दे रहा है और कोई 600 में 200 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी कंफ्यूजन जरूर बनी हुई है कि आखिरकार वो किसके पास जाए। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलना काफी ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास भी फोर व्हीलर है, अगर आप भी यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो अब आपको सामना करना पड़ सकता है लंबी लंबी लाइन्स में, घंटों खड़े होना पड़ सकता है। अगर आपका भी फास्टैग अभी तक नहीं बना है तो जितना जल्दी हो सके अपना फास्टैग जरूर बनवा लें। नीरा माटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।